नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 27 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया हुआ है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है परिवारवाद। ऐसी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। संविधान दिवस के मौके पर 15 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आपको बता दें तो परिवारवाद को एक बहुत बड़ा खतरा बताया है प्रधानमंत्री ने। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि चीनी धमकी के बावजूद अमेरिकी सांसदों ने ताइवानी राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5 अमेरिकी सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से शुक्रवार को सुबह मुलाकात की। अचानक की गई यह मुलाकात चीन की धमकी के बाद स्वायत्त ताइवान को अमेरिका के सशस्त्र समर्थन का एक और सबूत है। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही, WTO और वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट का मुद्दा उठाएगा भारत। जिनेवा में 30 नवंबर को होनी जा रही है WTO की बैठक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस मांग का विरोध कर रहे हैं पश्चिमी देश, और इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा टीकों की आपूर्ति की जा सके। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही, मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की पहल हुआ। ऐसा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय सीमित है और वकील बार बार एक ही बिंदु पर बहस करने की करते हैं मांग। इसके साथ साथ वो भी बोले कि माननीय न्यायाधीश कर सकते हैं पहल, वे तो सिर्फ समर्थन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मामले की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की पहल करने के लिए यह सही समय है, क्योंकि समय की उपलब्धता बेहद सीमित है और कोर्ट में बहुत ज़्यादा मामले भी हैं जिसके कारण काफ़ी देरी होता है। वही अगली खबर जनसत्ता से है, जिसमें दिया है कि मुंबई आतंकी हमला, भारत ने पाकिस्तान से सुनवाई तेज करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब कर राजनयिक प्रपत्र सौंपा। पाकिस्तान से अपने भूभाग का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करने से बाज आने को भी कहा गया है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, इसमें दिया है कि अमेरिका के समिट फॉर डेमोक्रेसी में मोदी भी आमंत्रित। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाए गए समिट फॉर डेमोक्रेसी में आमंत्रित किया गया है और उनके ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क। आपको बता दें COVID-19 की पहली और दूसरी लहर जैसी हालात की आशंका नहीं है, ऐसा कहा गया है। महामारी के बढ़ते संक्रमण के बावजूद मौतों की संख्या को कम करने में मिल रही है सफलता। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। राज्यों को इस पर नज़र बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से, रूसी राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर बैठक करेंगे और भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय जो है वो वार्ता भी होगी रूस के साथ। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही, 15 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जोखिम नहीं श्रेणी वाले देशों को पूरी क्षमता से उड़ान संचालन की मिलेगी अनुमति। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से बंद है नियमित उड़ान। आपको बता दें कि अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन राज्यों में शुमार। नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्य हैं। सूचकांक के मुताबिक बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड का नंबर है, वहाँ 42.16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उत्तर प्रदेश में 37.79%। तो बिहार में की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और यहाँ पर गरीबी सबसे ज़्यादा है देश में। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें लिया है कि पटना के कई कोचिंग संस्थानों में वाराणसी पुलिस ने की छापेमारी। नीट सॉल्वर गैंग में पटना का एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी है शामिल। एक टीम जल्द ही लखनऊ और कानपुर जाएगी। आपको बता दें कि नीट फर्जीवाड़े में पुलिस टीम ने रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड नीलेश कुमार उर्फ पीके को लेकर पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की।
कई कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पीके से पूछताछ में सामने आया था कि सॉल्वर गैंग में पटना के सबसे अधिक सदस्य शामिल हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि सीएम बाढ़ और बरौनी बिजली घर का आज करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समारोह में होंगे शामिल। बाढ़ बिजली घर की क्षमता जो है बढ़ाकर 3300 मेगावाट की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो 1 साल की जेल। आपको बता दें कि राज्य में सरकारी जमीन या जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। 1 साल जेल के साथ 20,000 रुपये का अर्थदंड भी भरना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने अंचल अधिकारी से अनुमंडल अधिकारी तक के अधिकारी को समाहर्ता का अधिकार दे दिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, बेगूसराय के युवा कौशल विकास में आगे, दरभंगा और शिवहर पीछे। आपको बता दें कि बिहार में बेगूसराय के युवा कौशल प्रशिक्षण लेने में अव्वल हैं, जबकि दरभंगा और शिवहर के युवा सबसे पीछे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग में यह खुलासा हुआ है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, आपको बता दें कि सीएम ने दिलाई शपथ, न पिएंगे न पीने देंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री, 6 मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम अफसरों ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार बोले, शराबबंदी मजबूती से लागू करना है, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, गैर क्रिमिलियर प्रमाण पत्र में जाति, आय और आवासीय की जरूरत नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने विमर्श के बाद इस पर सहमति दे दी है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि LDC की बहाली में ग्रुप डी के कर्मियों को 15% आरक्षण मिलेगा। PHED से इसकी शुरुआत हुई है। नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन। आपको बता दें कि राज्य सरकार चतुर्वर्ग के कर्मचारी के पद पर बहाल लोगों को तरक्की का अवसर देने जा रही है। योजना है कि LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की बहाली में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।